BSNL यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड आपकी अपनी पूर्ण स्वदेशी सरकारी कंपनी जो कि शहरों के साथ साथ गांवों में मोबाइल टेलीफोन ब्रॉडबैंड और अब हाई स्पीड फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए जानी जा रही है। दोस्तों BSNL ही ऐसा टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है जो गांवों में तेजी से भारत फाइबर या फिर BSNL FTTS कनेक्शन प्रोवाइड कर रही है। दोस्तों आप देख ही रहे होंगे कि हाई स्पीड कनेक्शन रूरल एरिया में ग्रामीण इलाकों में सिर्फ और सिर्फ BSNL प्रोवाइड कर रही है। और दोस्तों मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि BSNL ने अपने कस्टमर के लिए कंपटीशन को देखते हुए बहुत ही अच्छे और सस्ते भारत फाइबर के प्लान लॉन्च कर रही है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही देख रहे हैं आप अपने स्क्रीन पे, BSNL ने अपने भारत फाइबर के कस्टमर के लिए 449 जी हाँ दोस्तों 449 रुपए के मासिक प्लान में आपको 3300 GB हाई स्पीड डेटा के साथ ही साथ वॉइस कॉल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इन सारे प्लान को जो BSNL ने अपने भारत फाइबर के कस्टमर के लिए लॉन्च किए हैं और भी डिटेल में, और करते हैं उन प्लान को दूसरे ऑपरेटर के प्लान से भी कंपेयर। और हाँ दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जरा इस वीडियो को लाइक करें और हमारी मेहनत को सफल करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे के भी वीडियो के लुत्फ उठाते रहें। तो अगर बात करें सबसे बेसिक प्लान जिसे BSNL ने फाइबर बेसिक्स का नाम दिया हुआ है, जिसमें दोस्तों आपको मिलते हैं 449 रुपए के मंथली प्लान में 3300 GB अप टू 30 Mbps के स्पीड के साथ। जी हाँ दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि 449 रुपए के मंथली बिल में BSNL आपको प्रोवाइड कर रहा है अप टू 30 Mbps की स्पीड टिल 3300 GB तक, मतलब 3300 GB तक आपका स्पीड जो इंटरनेट का रहेगा 30 Mbps का रहेगा अप टू, उसके बाद अगर आप 3300 GB यूज़ कर लेते हैं तो जो इंटरनेट की स्पीड हो जाएगी FUP स्पीड हो जाएगी वो अप टू 2 Mbps की हो जाएगी। अगर बात करें दोस्तों कॉलिंग की तो BSNL आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की फैसिलिटी दे रही है इस 449 के मंथली बिल में। अगर बात करें दोस्तों इंस्टॉलेशन चार्जेस की तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे कि BSNL 500 rupees इंस्टॉलेशन चार्जेस ले रहा है। अब अगर सेम दोस्तों इससे कुछ मिलता हुआ प्लान जियो और एयरटेल की बात करें तो जियो ने उस प्लान का नाम ब्रॉन्ज दिया हुआ है जो जिसका जो मासिक बिल है वो 399 है, और जियो भी आपको 30 Mbps की स्पीड दे रहा है कहाँ तक, 3300 GB तक। उसके बाद दोस्तों जियो कितना दे रहा है, 1 Mbps की स्पीड दे रहा है, और सेम वही एयरटेल भी आपको 1 Mbps की स्पीड दे रहा है, लेकिन दोस्तों BSNL आपको 2 Mbps की स्पीड दे रहा है। लेकिन बात कर ले दोस्तों इंस्टॉलेशन चार्जेस की तो आप यहाँ देख सकते हैं कि BSNL आपसे 500 rupees इंस्टॉलेशन चार्जेस ले रहा है और जियो 1000 rupees इंस्टॉलेशन चार्जेस ले रहा है और एयरटेल भी आपसे 1000 rupees इंस्टॉलेशन चार्जेस ले रहा है। दोस्तों प्लान तो अलग चीज़ है लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि आपके एरिया में सर्विस प्रोवाइड कौन कर रहा है, क्योंकि दोस्तों अगर आपके एरिया में सर्विस प्रोवाइड हो रही है तभी आप उस प्लान का मजा उठा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा BSNL ही एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जिसके जो एक्सचेंजेज हैं गाँवों में भी हैं शहरों में भी हैं, और आप देखेंगे किसी भी तालुका प्लेस पे किसी भी गांव में BSNL का टेलीफोन एक्सचेंज आपको ज़रूर मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं BSNL ही एक ऐसा सर्विस प्रोवाइडर है जो गाँवों में बहुत ही तेज़ी से फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन दे रही है। दोस्तों अगर आप BSNL का फाइबर ब्रॉडबैंड कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं और आप बहुत ही आसानी से पूरे प्रोसेस को समझ सकते हैं जिससे आप BSNL का फाइबर कनेक्शन ले सकते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं अगले BSNL के भारत फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान की। आप अपने स्क्रीन पे दोस्तों क्लियरली देख सकते हैं कि 799 का प्लान है जिसे दोस्तों BSNL ने फाइबर वैल्यू प्लान के नाम से दिया हुआ है। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि 799 के प्लान में BSNL आपको दे रहा है 3300 GB हाई स्पीड डेटा। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि जो बैंडविड्थ रहेगी जो स्पीड रहेगा अप टू 100 Mbps का रहेगा टिल 3300 GB तक, और उसके बाद 2 Mbps की स्पीड
हो जाएगी। और BSNL इस पर कोई भी OTT सर्विसें प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर बात करें फ्री कॉल्स की, तो इस पर आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की फैसिलिटी मिलने वाली है। और दोस्तों बात कर ले इंस्टॉलेशन चार्जेस की, तो सेम आपको 500 इंस्टॉलेशन चार्जेस लगेंगे BSNL की तरफ से। अब अगर बात कर ले दोस्तों जियो और एयरटेल की, तो जियो 699 का प्लान है जियो का, जिसे वो सिल्वर के कैटेगरी में रखता है। और वहाँ पे दोस्तों जो आपको स्पीड मिलती है वो भी 100 Mbps की मिलती है और 3300 GB तक। उसके बाद जो स्पीड हो जाती है 1 Mbps की हो जाती है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, कि जो FUP के बाद FUP लिमिट आप यूज़ कर लेते हैं, उसके बाद जो स्पीड रहती है BSNL में 2 Mbps की रह रही है और बाकी सब में 1 Mbps की रह रही है। और इंस्टॉलेशन चार्जेस भी BSNL का कम है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं BSNL के अगले भारत फाइबर के प्लान के बारे में। तो BSNL ने इस प्लान का नाम फाइबर प्रीमियम दिया हुआ है, जिसमें दोस्तों आपको जो 999 के फिक्स्ड मंथली चार्ज में आपको दोस्तों मिलने वाला है अप टू 200 Mbps की स्पीड 3300 GB डेटा तक। और उसके साथ ही साथ फाइबर प्रीमियम प्लान में BSNL आपको OTT सर्विसेज प्रोवाइड करने वाली है, जिसमें आपको हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन मिलने वाला है। आप यहां पे देख सकते हैं इस प्लान में भी कॉलिंग की फैसिलिटी आपको अनलिमिटेड मिलने वाली है। अब अगर दोस्तों बात कर लें जियो और एयरटेल की, तो जियो ने इस प्लान का नाम गोल्ड कैटेगरी में रखा है और एयरटेल ने इसे एंटरटेनमेंट प्लान दिया हुआ है। जियो दोस्तों आपको 999 रुपये में 150 Mbps की स्पीड दे रही है, वहीं दोस्तों BSNL आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली आपको अप टू 200 Mbps की स्पीड दे रही है 3300 GB तक। और उसके बाद BSNL आपको 2 Mbps की स्पीड प्रोवाइड कर रही है। अगर आप 3300 GB यूज़ कर लेते हैं महीने में, तो आपको 2 Mbps की स्पीड मिलने वाली है। लेकिन अगर बात करें जियो की, तो यहाँ पे आपको 1 Mbps मिलने वाला है। और सेम आपको दोस्तों एयरटेल में भी 1 Mbps की स्पीड मिलने वाली है। दोस्तों यहाँ पे एयरटेल ने थोड़ा डेटा में इजाफा किया है, 3333 GB डेटा आपको मिलने वाला है एयरटेल के 999 वाले प्लान में। दोस्तों मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सारे प्लान अभी मैंने आपको बताए, ये एक्सक्लूडिंग GST है। मींस इसमें अभी 18% GST ऐड होगा, तब वो फाइनल बिलिंग आपकी बनने वाली है। अब दोस्तों अगर हम बात कर लें अगले भारत फाइबर के प्लान के बारे में, BSNL ने उस प्लान का नाम फाइबर अल्ट्रा दिया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं फिक्स मंथली चार्जेस में 1499 रुपये के रिचार्ज में BSNL आपको प्रोवाइड कर रही है अप टू 300 Mbps की स्पीड। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, अप टू 300 Mbps की स्पीड, वो भी 4000 GB डेटा तक। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं BSNL आपको हाई स्पीड 4000 GB डेटा दे रहा है। और अगर आप महीने में 4000 GB डेटा यूज़ कर लेते हैं, तो उसके बाद जो स्पीड हो जाती है दोस्तों, वो 4 Mbps की स्पीड हो जाती है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, उसके साथ ही साथ दोस्तों BSNL आपको अनलिमिटेड कॉलिंग की फैसिलिटी दे रही है। और दोस्तों BSNL आपको OTT प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड कर रही है। और आप इंस्टॉलेशन चार्जेस देख ही सकते हैं कि BSNL 500 रुपीज़ इंस्टॉलेशन चार्जेस ले रही है, और जियो 1000 रुपये, और एयरटेल भी आपसे लगभग 1000 रुपये चार्जेस कर रही है। आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं कि 4000 GB डेटा BSNL दे रहा है, जियो आपको 3300 GB डेटा दे रहा है, और एयरटेल आपको 3333 GB डेटा दे रहा है। और आप इनके FUP स्पीड से भी कंपेयर कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों मैं पहले से ही कहते आया हूँ, BSNL आपकी अपनी सरकारी कंपनी है, वो सिर्फ और सिर्फ आपके सेवा के लिए, कोई फ़ायदे और नुकसान के लिए नहीं है। तभी तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि BSNL इतने सस्ते और धमाकेदार ऑफर अपने कस्टमर के लिए ला रही है। दोस्तों अगर आप भारत फाइबर BSNL का हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप आज ही नज़दीकी टेलीफोन ऑफिस में जाएं और वहां से आप पता कर सकते हैं कि आपके एरिया में BSNL का हाई स्पीड फाइबर इंटरनेट कनेक्शन दिया जा रहा है कि नहीं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने इस वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा। तो दोस्तों ऐसे ही ऑफ़र और प्लान पाने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।